ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ विशि और आप देख रहे हैं बॉर्न टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। पेप्सी का ये शेयर है ला रहा है बोनस इश्यू। चलिए जानते हैं इंडिया में कौन सा है पेप्सी का शेयर है और कब इसकी बोनस डेट है। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसे स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो और न्यूज हम लाते रहते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। हम बात करने वाले हैं वरुण ब्रेवरेजेस के बारे में। क्या है कि जो इंडिया में पेप्सी की फ्रेंचाइजीज है उसके पास है वरुण ब्रेवरेजेस के पास, इसलिए मैंने बोला पेप्सी वाला शेयर बोनस इश्यू ला रहा। आप इसमें देखिए मंडे 17 जून को इसने मीटिंग रखी है जिसमें वो बताएगा कि बोनस इश्यू के लिए कौन सी प्राइस वो देने वाले है। तो चलिए अब हम इसके क्या है कि फंडामेंटल भी देखेंगे और थोड़ा सा टेक्निकल भी देखेंगे, सो हमें एक बेसिक आइडिया आ सके कैसे ये कंपनी है। अब हम इस कंपनी के फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे। आप इस कंपनी को देख लीजिए, एवरेज क्वालिटी की यह कंपनी है। एवरेज क्वालिटी बाय मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ एंड कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आप इसमें सेल्स ग्रोथ देख लीजिए 17.77%। आप इसमें ईबीआईटी ग्रोथ देख लीजिए 16.12%। आप इसमें नेट डेट टू इक्विटी रेशियो देख लीजिए 1.22, जो कि मेरे को थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। आप इसमें प्लेज शेयर देख लीजिए 0.13%। अब हम इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे अभी ये ट्रेड करा है। जो भी वैल्यू 754 से 1065 के बीच में होगी ये इसको वेरी एक्सपेंसिव पे डालेगा। अब हम इसकी पी रेशियो देख लेते हैं, 54.66% की इसकी पी रेशियो है। आप इसमें ईवी टू ईबिटा देख लीजिए 18.51% की ईवी टू ईबिटा रेशियो है। आप इसमें क्या है आरओसीई देख लीजिए 14.58%। आप इसमें आरओई देख लीजिए 14.65%। अब हम इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में 71.69% की एक बढ़िया सी अपसाइड दिखने को मिली है। आप इसमें जो नेट प्रॉफिट है वो देख लीजिए, जिसमें 156.81% की एक बढ़िया सी अपसाइड देखने को मिली है। आप इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देख लीजिए, जिसमें भी 9.87% की एक बढ़िया सी अपसाइड देखने को हमें मिली है। अब हम इस कंपनी के एनुअल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। आप इसमें नेट सेल्स देख लीजिए, जिसमें 15.76% की एक बढ़िया सी अपसाइड देखने को मिली है। अब हम इसके नेट प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे, जिसमें भी आपको 39.35% की एक बढ़िया सी अपसाइड देखने को मिली है। अब हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करेंगे, जिसमें 0.74% की एक बढ़िया सी अपसाइड देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अब हम इस कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे। प्रमोटर के पास 73.56% की एक बेहतरीन होल्डिंग रखी हुई है। आप इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देख लीजिए, जिसके पास 6.29% की होल्डिंग है। आप इसमें एफआईएस की होल्डिंग देख लीजिए, जिसके पास 13.51% की होल्डिंग है। अब हम इसके क्या है कि प्लेज शेयर के बारे में बात करेंगे। जो कंपनी ने गिरवी रखे हुए शेयर जो है 0.13%, जो कि बहुत कम है, जो कि इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट में हमको क्या है कि जो आपको क्वेरी वाले स्टॉक है वो हमें बताना, जिसपे हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। अब हम आ गए इस कंपनी के चार्ट के ऊपर। आप देख लीजिए ये लगातार अप ट्रेंड में चल रहा है। आप देख लीजिए जो इसके सपोर्ट लाइन है वहां से इसको सपोर्ट लेके अप चला जाता है। इधर भी देखो, इधर सपोर्ट लेके अप चला गया, बाद में इधर भी सपोर्ट लेके अप चला गया। अभी ये हाल फिलहाल में अपने अपसाइड पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या होता है कि जो बोनस इश्यू आने वाला है उस खबर से शायद इसमें क्या हो सकता है थोड़ी और ज्यादा अपसाइड देखने को मिले। अगर मेरे को ये लॉन्ग टर्म में मेरे को लेना है तो मैं क्या इसके जो सपोर्ट लाइन है उसके बीच में ही मैं लूंगा। जो उसकी पहली सपोर्ट लाइन है वो 882 के करीब है और जो उसकी दूसरी सपोर्ट लाइन है वो 833 के करीब है। तो मैं इस दोनों के बीच में कहीं मेरे को मिल जाए तो मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए ले सकता हूँ। ऐसे वीडियो हम हर रोज हर दिन लेते आते हैं। तो अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, जय हिंद।